फैटी लिवर आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इसका किसी भी पैथी में कोई इलाज नहीं हो रहा है, चाहे होम्योपैथी है, चाहे आयुर्वेदा है, चाहे एलोपैथी है, वो क्यों नहीं हो रहा है। और इन सभी सिस्टम से एक बार टेम्परेरी ट्रीटमेंट मिलता है, टेम्परेरी कुछ समय के लिए फैटी लिवर से आराम मिलता है, जैसे कि फैटी लिवर होने से तेजाब बनता है, कईयों को जोड़ों में दर्द होता है, कईयों को इंडाइजेशन रहती है, कईयों को पेट की कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है, जहाँ उनको बहुत ज़्यादा तेजाब बन रहा है, ऐसी दिक्कतें रहती हैं फैटी लिवर की वजह से, तो वो सारी कुछ समय के लिए ठीक होती हैं और फिर से वो दोबारा आ जाती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और आपको मैं बता दूं, जो इस चैनल पर नए हैं, हम जो भी इस चैनल पर इंफॉर्मेशन लेके आते हैं वो साइंस बेस्ड होती है, अपनी मन बनाई हम बात नहीं करते कि ये ले लो ये हो जाएगा, ये ले लो ये हो जाएगा, जो साइंस के हिसाब से पॉसिबल है हम उसी की बात करते हैं और हमेशा परमानेंट ट्रीटमेंट की ही इस चैनल पर बात करते हैं, हम कभी भी टेम्परेरी ट्रीटमेंट की इस चैनल पर बात नहीं करते हैं। फैटी लिवर है उसके लिए हम डाइट की भी बात करेंगे, ट्रीटमेंट की भी बात करेंगे, और फैटी लिवर हम बात करेंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ क्यों हो रही है। ये सारे ऑप्शन है, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में भी आ जाते हैं, तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की आज हम मेनली बात कर रहे हैं कि आप नहीं पी रहे हैं उनको फैटी लिवर क्यों हो गया है। तो जैसे कि मैंने बोला कि हम टेम्परेरी ट्रीटमेंट की नहीं बात करते, और होम्योपैथी के अंदर भी जैसे बहुत सारी मेडिसन्स हैं, जैसे चेलिडोनियम कार्डस हैं, ये इतनी बढ़िया मेडिसन्स हैं, पर होम्योपैथ के अंदर कुछ ऐसी नए सिस्टम आ गए हैं कि जो पेशेंट को टेम्परेरी ठीक कर रहे हैं यही दवाइयाँ देकर, और इनके साइड इफ़ेक्ट हैं वो बाद में पेशेंट को और भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, उससे उसकी बहुत ज़्यादा सीवियर हेल्थ इफेक्ट्स है। जैसे दूसरे सिस्टम में, जैसे हम आयुर्वेदा गलत दवाई ले लें या एलोपैथी गलत ले लें, जैसे उनके साइड इफ़ेक्ट मिलते हैं, वैसे ही ऐसे नॉलेज कम होने की वजह से होम्योपैथी के अंदर भी साइड इफ़ेक्ट होने शुरू हो गए हैं। ये इतनी बढ़िया साइंस है, इसके भी साइड इफ़ेक्ट करवाने शुरू कर दिए हैं। उसके कारण है जो साइंस का ना जानकारी होना। जो हम अप्रोच आज लेके आए हैं ये सारी होम्योपैथी की साइंस ही है। होम्योपैथी के जब ट्रीटमेंट होता है ऐसे ही होता है, आपने आज तक ये नहीं सोचा है, जैसे कि होम्योपैथी में भी ऑनलाइन आप देखते हो कि चेलिडोनियम कार्डस, कालमेघ, पता नहीं कौन सी क्रैटेगस क्यों मेडिसिन ले लो, फैटी लिवर ठीक ही हो जाएगा, परमानेंट आयुर्वेद में ये ले लो ठीक हो जाएगा, उसमें ये ले लो। अगर ऐसे ही होम्योपैथी के अंदर ये मेडिसिन परमानेंटली ठीक करती होती जो आपको बताई जाती हैं, और आयुर्वेदा के अंदर परमानेंटली ठीक करती होती, या एलोपैथी के अंदर ये परमानेंट कुछ दवाइयाँ फैटी लिवर को ठीक कर देती, तो सारी दुनिया ही ना फैटी लिवर जिसको है वह ठीक होगी होती। आज तक वो घूम क्यों रहे हैं? अगर फैटी लिवर की इतनी आप क्लेम वाली मेडिसिन देखते हो, ऑनलाइन सर्च करते हो, तो पेशेंट पीड़ित क्यों है? आज तक वो ठीक क्यों नहीं हुए? तो अब तक तो कोई पेशेंट फैटी लिवर का बचने ही नहीं था। तो यही चीज़ें इस चैनल पर हम समझाते हैं, और हमेशा मैं बोलता हूँ ऐसे मेडिसिन खाने से चेलिडोनियम कार्डस कुछ नहीं होगा, आपको और भी बहुत ज़्यादा सीवियर डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम लोग हमेशा ही इलाज करते हैं कि जैसे किसी को फैटी लिवर हो गया है तो फैटी लिवर को कम करने के लिए हम हमेशा मेडिसिन खाने लग जाते हैं, पर हमने जो परमानेंट ट्रीटमेंट क्या होता है, वो ट्रीटमेंट होता है कि फैटी लिवर हुआ क्यों है, किस बीमारी से फैटी लिवर हुआ है, उस बीमारी का हमने इलाज करना है, फिर ही फैटी लिवर परमानेंट को होगा। तो हम क्या करते हैं, फैटी लिवर की सीधी मेडिसिन खाने लग जाते हैं, इससे तो नहीं ठीक होगा, क्योंकि फैटी लिवर जो बीमारी बना रही है या जो कुछ खाकर फैटी लिवर बन रहा है, हमें ट्रीटमेंट यहाँ पर ज़रूरत है, ना कि यहाँ पर सीधा मेडिसिन पर जाने की। ये हमारा परमानेंट ट्रीटमेंट है, ऐसे मेडिसिन खाना टेम्परेरी या किसी भी सिस्टम में आप चले जाओ। तो हम परमानेंट ट्रीटमेंट की बात करेंगे, और मैं बताऊंगा कि कैसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं मेडिसिन के, चाहे किसी को बोल दिया जाए कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और मैं बताऊंगा कि ये होम्योपैथी जेन्युइन है ही नहीं जो आपको बताया जाता है। तो सबसे पहला कारण है, लिवर के अंदर जो फैट चढ़ती है, फैटी लिवर होता है दोस्तों, जैसे आप फैट देखते हो, जैसे आप घी देखते हो, वैसी ही चर्बी हमारी बॉडी के अंदर अगर लिवर के ऊपर चढ़ जाए और उसके अंदर भी घुस जाए, दोनों तरफ अगर उसके लिवर के ऊपर और अंदर चर्बी बहुत ज़्यादा ऊपर जम जाती है और इसके अंदर भी चर्बी चली जाती है,
तो इसको हम फैटी लीवर बोल देते हैं और इसी से ही सारी बीमारियां बनती हैं। जैसे लीवर ने ईएसआर को कंट्रोल करना होता है और इन्फेक्शन है और उसके बिना एसिडिटी है, डाइजेशन है, न्यूट्रिशन को बॉडी में से निकालना होता है, विटामिन को स्टोर करना होता है, फैट को अब्जॉर्ब करना होता है, हमें बार बार इन्फेक्शन से बचाना है, एलर्जिक डिजीज़ से बचाना है, आईबीएस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन डिजीज़, कैंसर तक को ठीक करने में लीवर काम करता है, तो सारे काम ठप हो जाते हैं लीवर के। तो इसीलिए जो पेशेंट का लीवर ठीक नहीं है उसको हम ठीक नहीं कर पाते हैं। तो अब चलते हैं कि इसके लिए डाइट क्या है और कारण क्या है जो हम परमानेंट ट्रीटमेंट कर सकें। तो सबसे पहले है फैट। आप प्रोसेस्ड फैट खा रहे हो या बैड फैट आप खा रहे हो, जैसे बाजार से हम मक्खन ले आते हैं, रिफाइंड ऑयल है, ये सारे बैड फैट है। अगर ऐसी फैट खा रहे हैं तो ये अनडाइजेस्टेड फैट है, इतनी फैट हमारी बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। जो बहुत ज़्यादा लोग बाहर से फ्राइड फूड है या घर पे या बाहर से खाते रहते हैं, तो हमें फैट की मान लो दिन में ज़रूरत है 10 ग्राम की, हम खा गए दिन में 100 ग्राम फैट। अब जो 95 ग्राम फैट है जो एक्स्ट्रा है वो क्या करेगी, वो हमारे लिवर के आसपास जमा हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें जानना है कि हमें समझना पड़ेगा कि शरीर को फैट की ज़रूरत कितनी है, कितनी चर्बी चाहिए, कितना तेल चाहिए, उतने ही दो आप उसको सारे दिन के अंदर। एक्स्ट्रा आप जितना दोगे वो सारा 95% है लीवर के ऊपर जम जाएगा, अंदर भी चला जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस्ड फूड बंद रखने हैं और ऑयल का हमने कंट्रोल रखना है कि जितनी ज़रूरत है उतने खाएं। उसके बाद है स्ट्रेस है। सबसे बड़ा कारण फैटी लीवर का स्ट्रेस है। अब कई लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस से ही फैटी लीवर बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ हाँ स्ट्रेस से ही फैटी लीवर होता है, क्योंकि स्ट्रेस से क्या होता है, एक गुर्दों के ऊपर ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। वो एड्रेनल ग्लैंड एक हार्मोन छोड़ती है जिसको हम बोल देते हैं कॉर्टिसोल। ये हार्मोन क्या करता है, सारी बॉडी में से जहाँ पे भी फैट पड़ी है, हमारे जैसे आर्म्स में फैट पड़ी है, चेहरे पे फैट है, चेस्ट के ऊपर फैट है, ये सारी फैट को जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वहाँ से निकाल कर लीवर की तरफ ले आता है। सारी फैट को जो लीवर के आसपास जमा करना शुरू कर देता है और ये फैट किडनी के आसपास, गुर्दों के आसपास भी जमा होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कॉर्टिसोल का काम ही यही है। कॉर्टिसोल ज़्यादा बढ़ेगा, स्ट्रेस आप जितना लोगे कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा बढ़ेगा बॉडी में, और जितना ज़्यादा बढ़ेगा कॉर्टिसोल सारी बॉडी में से चर्बी निकाल कर पेट के अंदर वाले जो हिस्से हैं वहाँ पे जमा करना शुरू कर देगा। तो स्ट्रेस इसका एक कारण है। इन्फेक्शन है, लीवर के अंदर कोई इन्फेक्शन चल रही है, जैसे हेपेटाइटिस है, हेपेटोमगैली है, कोई सिस्ट ग्रोथ हो गई है, कोई हाइड्रेटेड सिस्ट बन गया है, या और कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो गई है, बी सी डी हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, ऐसी बीमारियों में लीवर है बहुत ज़्यादा स्लगिश हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। लीवर ढीला पड़ा है, आपको पता लग गया कि ताकत कम होने लगी, आप ये समझते हो जब लीवर ढीला पड़ता है तो हम कमज़ोर होने लग जाते हैं, हम क्या करते हैं ताकत वाली चीज़ें खाने लग जाते हैं, जैसे कि घी ज़्यादा खाओ फिर ही ताकत आएगी। पर आप काम यहीं पे उल्टा कर देते हो, आपको लीवर की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो इन्फेक्शन हुई है उसके इलाज की ज़रूरत है। लीवर तो पहले ही ढीला पड़ा है, ये तो सरसों का तेल नहीं हजम कर सकता, तो आप जो घी पंजीरी तेल ताकत बढ़ाने के लिए मेडिसिन खाओगे वो इसको और ज़्यादा ख़राब कर देगा। तो ये उल्टा काम नहीं करना है। लीवर की इन्फेक्शन अगर कोई है उसकी जांच करवा लेनी है और उसका परमानेंट ट्रीटमेंट करना है, फिर आप जो जितनी शरीर को ज़रूरत है तेल खाओगे वो लीवर के आसपास नहीं जमा होगा। उसके बाद है हाई एनर्जी फूड है। हाई एनर्जी फूड है जैसे कि आपको सारे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बादाम की ज़रूरत है, सारे दिन में आपको 1 लड्डू खाने की ज़रूरत है। आपको पता है 1 लड्डू में इतनी एनर्जी है कि आपका सारा दिन निकल सकता है। जो लोग सेडेंटरी हैबिट में है, जो लोग काम करते हैं खेतों में, उनकी बात अलग है, जो एक जगह पर बैठे रहते हैं चलने फिरने का काम नहीं है, तो उनको जानकारी लेनी होगी डाइट के बारे में, कितने खाने से उनकी सारी दिन की एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, क्योंकि उन्होंने मेहनत वाला काम तो कोई करना नहीं है। तो आप ऐसी हाई एनर्जी फूड ले रहे हो, ये सारा फूड है वो फैट के अंदर कन्वर्ट होगा बाद में, तो सारी फैट है लीवर के आसपास जमा हो जाएगी, तो ऐसी एनर्जी फूड नहीं लेने हैं। और इन्फेक्शन है, जैसे ईएसआर बढ़ जाती है, तो इन्फेक्शन ईएसआर बढ़ने के भी काफ़ी कारण है बॉडी में, 15 से 20 बीमारियां, उन बीमारियों का इलाज करोगे ईएसआर कम होगी, ईएसआर कम होगी तो लीवर अपना काम पूरा करेगा, तो ये चर्बी को अपने आप उतार भी लेगा जो अपने इसके ऊपर जमी है। उसके बाद है फास्टिंग है। जो लोग भूखा रहते हैं,
भूखा रहने से क्या होता है, हमारे शरीर को ज़रूरत होती है शरीर को चलाने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फैट की, प्रोटीन की ज़रूरत और शुगर की ज़रूरत होती है। अब फास्टिंग में क्या करते हैं कि ये तीनों चीज़ें हम देना बंद कर देते हैं, फैट भी देना बंद कर देते हैं, प्रोटीन भी देना बंद कर देते हैं, शुगर भी देना बंद कर देते हैं। जब तीनों चीज़ हम ऐसे फास्टिंग में बंद कर देते हैं तो शरीर को कहीं से तो एनर्जी प्रोड्यूस करनी है लिवर ने, तो वो क्या करता है, शरीर के अंदर बस अकेला फैट और प्रोटीन ही बचता है, और सबसे बढ़िया सोर्स है एनर्जी शरीर को चलाने के लिए, चलता रखने के लिए फैट है। तो इसीलिए शरीर क्या करता है, सारी फैट को बॉडी में से खींचना शुरू कर देता है, ये लिवर है जो। अब लिवर जब सारी फैट को बॉडी में से खींचेगा, इसके आसपास वो इकट्ठी हो जाएगी। इसीलिए जो लोग व्रत रखते हैं लंबे लंबे समय, उनको भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हो जाती है, क्योंकि वो फैट भी नहीं लेते, प्रोटीन भी नहीं लेते, अकेले पानी पी चलते हैं। इसकी वजह से लिवर को शरीर को चलाने के लिए एनर्जी सोर्स चाहिए, वो बॉडी फैट इस्तेमाल करता है, सारी जगह से फैट निकाल कर शरीर के हिस्सों में से अपने आसपास इकट्ठी कर लेता है, ताकि बॉडी को चलाने के लिए ज़रूरी एनर्जी वो प्रोड्यूस कर सके। उसके बाद है इंसुलिन है, जिसके अंदर इंसुलिन की बहुत ज़्यादा मात्रा बनी रहती है। इंसुलिन की मात्रा कैसे बनेगी, जैसे कि आप शुगर बहुत ज़्यादा ले रहे हो, आपको पता नहीं है कितनी शुगर की ज़रूरत है, जैसे आलू में भी बहुत ज़्यादा शुगर होती है, फ्राइड आइटम ज़्यादा खा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए बाज़ार से, जिनके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा रहती है, तो इंसुलिन ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा। अगर इंसुलिन ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा बॉडी को, तो लिवर के ऊपर फैट ज़्यादा जमा होगी और लिवर का साइज भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन के साथ एक इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर होता है, वो भी बॉडी ज़्यादा छोड़ती है। उसके बाद आता है शुगर है, शुगर जो लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, कईयों की आता है ग्लूकोज उठा के खा ली कि लो एनर्जी रहती है, तो आपको लो एनर्जी के लिए, जहाँ आप जिनकी शुगर लो हो रही है उसके पीछे कई बीमारियां हैं, उन बीमारियों का इलाज करें, सीधी शुगर ना लें। सीधी शुगर लेंगे तो फैट में कन्वर्ट होकर लिवर के आसपास जमा हो जाएगी, तो सीधी शुगर हम और कहाँ से लेते हैं, फ्रक्टोज है, जो ज़्यादा मीठे फल हैं, जैसे हाइब्रिड आइटम्स फलों के अंदर आ गई हैं, जो पहले से ज़्यादा मीठी बना दी गई हैं, जो कुदरती तौर पर मीठी नहीं थी, ऐसे फल खा रहे हैं, जैसे हनी सकल एप्पल है, हाइब्रिड वैरायटी आ गई है जो पहले से ही बहुत ज़्यादा मीठी हैं, तो वो फैट के अंदर कन्वर्ट होगी, लिवर के आसपास जमा हो जाएगी। हाई कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हो, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है, जैसे कि आलू में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, चावल में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ज़मीन के नीचे वाली सब्जियां हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हो तो भी शुगर के अंदर कन्वर्ट होकर वो लिवर के ऊपर फैट में कन्वर्ट होकर जमा हो जाएगी लिवर के ऊपर। आप कोई शुगर सिरप है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं जिनके अंदर डाले हुए शुगर है, जैसे रिफाइंड शुगर किसी के अंदर डाली गई है, ऐसे शुगर मार्केट से किसी चीज़ में जो मिक्स की गई है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर, जूस के अंदर जो हम लेके आते हैं, उनके अंदर जूस कुछ होते ही नहीं, फ्रक्टोज और आर्टिफिशियल स्वीटनर शुगर डाली होती है, वो सारी शुगर है, आपको पता होना चाहिए वो फैट में कन्वर्ट होती है। तो ये तो हो गया शुगर के बारे में, कैसे हम शुगर को रोककर कर सकते हैं। और लास्ट है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, वो है इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल कहाँ से मिलती है, वो यहाँ से, जो आप लेके आते हो चेलिडोनियम क्यू, कार्डस क्यू। आपका बेस तो कुछ है नहीं, आपको पता तो कुछ है नहीं कि फैटी लिवर हुआ क्यों है, शुगर की वजह से हुआ है, इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, स्ट्रेस की वजह से हुआ है, हाई एनर्जी फूड लेने की वजह से हुआ है, फास्टिंग की वजह से हुआ है। तो अगर आपको इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो आपको ट्रीटमेंट किसी की है, ESR बढ़ने की जांच करवाने की ज़रूरत है, उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, हेपेटाइटिस की ज़रूरत है, स्ट्रेस के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लिवर के अंदर कुछ खास बीमारियां होती हैं उनके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो आपको कैसे पता लग गया ठीक कर देगा, तो जो ऐसे मदर टिंचर आप लेते हो बिना बीमारी को जाने हुए, आपको मदर टिंचर ले रहे हो साथ में फ्रक्टोज आप खा रहे हो, डेली कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तो आपका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होंगे, क्योंकि होम्योपैथी के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर जो अब होम्योपैथी बनाई जा रही है जो आप ऑनलाइन देखते हो उसके तो बहुत ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट हैं। आप विकिपीडिया पे जाएं और इथाइल अल्कोहल के साइड इफेक्ट खोजें, होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो लोग आज भी जेन्युइन होम्योपैथी के अंदर हैं उनके क्योरेबिलिटी की केसेस हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि होम्योपैथी बहुत वास्ट साइंस है, ये होम्योपैथी के अंदर सारा कुछ इंक्लूड किया जाता है। हम होम्योपैथिक जब ट्रीटमेंट करते हैं किसी का, हम ऐसे ही करते हैं, हम ऐसे नहीं करते कि चेलिडोनियम क्यों ले आओ, कार्डस क्यों ले आओ, कैसा मर्जी हो ठीक हो जाएगा, नहीं,
होम्योपैथी यही है, हम काज को पता करते हैं, बीमारी हुई क्यों है, बीमारी का इलाज करते हैं हम, ना कि सीधा कम करने वाली दवाई को। ये तो जब हम दवाई छोड़ेंगे कम करने वाली बीमारी फिर ऊपर बढ़ी जानी है। हम जो ये बीमारी को पैदा कर रहा है कारण, जो ये बीमारी इस बीमारी को बना रही है, हम उसका इलाज करते हैं हमेशा होम्योपैथी के अंदर। इसलिए एथाइल अल्कोहल है और ऐसे चेलिडोनियम कार्डस कभी मत लें, ना ही लेने का कोई फ़ायदा है, क्योंकि इसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं। एथाइल अल्कोहल हेपेटोटॉक्सिसिटी करती है, गुर्दे के ऊपर इफेक्ट करती है, डिहाइड्रेशन करती है, सेहत को भी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, फैटी लीवर तो ठीक होगा नहीं, तो आपके 10 बीमारियां और लग जाएंगी। तो ऐसे ही साइंस बेस्ड है मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं कैंसर के ऊपर, मेन सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर, फीमेल हेल्थ के ऊपर, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, फंगस इन्फेक्शन है, जोड़ों के ऊपर, पेट की बीमारियों के ऊपर, गठिया के ऊपर, शटिका के ऊपर, वो सारी ऐसी साइंस बेस्ड, थायराइड के ऊपर जैसे वीडियोज़ हैं मेरी, ट्यूमर के ऊपर है, रिसर्च बेस्ड जो वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। अगर किसी को भी ऐसी कोई तकलीफ है या और कोई बीमारी है, कभी भी किसी भी समय मेरे से कंटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर ऐसी साइंस बेस्ड जो वीडियोज़ हैं होम्योपैथी के अंदर आपको अच्छी लगती हैं, तो आप ये सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो जो लोग नए हैं वो रेड कलर का बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो नीचे वीडियो के बेल का आइकन दिख रहा है उसको घंटी को ज़रूर दबा दें, ताकि आप तक हर रोज़ मेरी नई लेटेस्ट वीडियो पहुँचती रहेंगे। तो ये जो साइंस मैंने बताया है, ये होम्योपैथी का भी नहीं है, ये हरेक पैथी में अप्लाई होगी, चाहे कोई इंग्लिश ट्रीटमेंट है, चाहे कोई इंग्लिश डॉक्टर है, चाहे होम्योपैथी डॉक्टर है, चाहे आयुर्वेद है, ये सभी के लिए सेम है। अगर इस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे तभी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ ठीक होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो वीडियो देखने के लिए सभी का थैंक।